यार सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी आँख खुल गई है मेरी, तो अभी तक आँखें भी नहीं खुल रही। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो बर्ड साहब का फोन आया जी, आओ जी बाल छाल कटाने हैं तो जल्दी पहुँचो। ऐसा कौन सा एहसान किया? आँख खुली है मेरी, मैं साथ ही मुँह हाथ धोया, मैं निकला हूँ। मैंने कहा नाश्ता भी नहीं किया, देखो सुबह सुबह का टाइम है, सारे जो है ना कोई भी नहीं उठा हुआ अभी। तो ये बालों वाली दुकान है, यहाँ से बाल छाल कटाएंगे, दाढ़ी चाड़ी करवाएंगे सेट, तो बाद में फिर मिलते हैं, नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद मिलते हैं। मस्त प्लान है यार, घर आ गए थे बाल छाल कटवा के, तो हाय हाय कैसा लग रहा आपका भाई, सही है ना, जबरदस्त है ना। लखदी तो अभी बस ये जा रहे हैं पिंडी, जाके मूवी देखनी है फास्ट एंड फ्यूरियस 10, साथ एक दोस्त को बुलाया हुआ उसके साथ देखनी है, फिर जो है ना एक मेहंदी है उस मेहंदी में भी जाना है। इंशाल्लाह जाएंगे जल्दी वापस आके, तो जल्दी चले जाएंगे, नहीं आए तो फिर कैंसिल हो जाएगा साहब। तो अभी अभी आए हैं, नाश्ता किया है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। आरिफ भाई सॉरी यार, इसको मैंने कहा कि अब नाश्ता करेंगे सुबह सुबह, लेकिन मैं नाश्ता नहीं करा सका उसे, क्योंकि मेरी आँख जिस टाइम खुली तो उसका मैसेज आ गया कि भाई जी बाल कटाने हैं दस्ती पहुँचो, बस फिर माजरत नाश्ता मिस हो गया तुम्हारा, ले ले मेरा। खैर करेंगे नाश्ता इंशाल्लाह, ओके जल्दी जल्दी निकलते हैं। यार निकल आए हैं और यार बहुत सख्त गर्मी है इस टाइम, और मैंने हाफ बाजू पहन लिया तो मेरा रंग काला होने वाला है, जुम्मा भी निकल गया, और मेरा दिल था कि जुम्मा पढ़ लूं, लेकिन मैं पहुंचा हूं तो जुम्मा हो रहा था, और मैं निकलने की कोशिश की अंदर से कचहरी से, लेकिन जो है ना वो रास्ता बंद किया था क्योंकि जमात हो रही है, तो मुझे इतना लंबा घूम के फिर के आना पड़ा, और धूप भी बहुत तेज है। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वहाँ पहुँचे जल्दी, वहीं जाके मिलते हैं आपसे। अबे जल्दी कल सुबह पनवेल निकलना है। यार पहुँच गए हैं सामने, पीछे मैं कैमरा नहीं कर सकता क्योंकि पीछे जो है लेडीज आ रही हैं, लेडीज अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो इसलिए मुझे नीचे करके बनानी पड़ेगी। अभी लग रही है प्यास, अम्मा ने मुझे कहा था कि ले जाओ, लेकिन मैं ले के नहीं आया पानी की बोतल, तो यह है कि अभी यहाँ से लेनी पड़ेगी, तो लेते हैं फिर मिलते हैं। भाजी KFC कब खुला है? मैं घूमने के साथ KFC तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, यहाँ पर सिर्फ मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड तो वो है, ये KFC खुल गया यहाँ पे, तरक्कियाँ हो गई यार, अब यहाँ पे शायद एक और कुछ खुल रहा है, लेकिन ये तरक्की हो गया जिना पार्क के अंदर। खैर अभी तो मुझे प्यास लग रही है, वहाँ का खोखा बंद है, दुकान बंद है, जल्दी जल्दी से करते हैं क्योंकि ऊपर देखें धूप सही तेज़ है, मैंने टोपी भी पहनी लेकिन पसीना बहुत सख्त आया है, आज तो मैं काला होकर जाऊँगा। जल्दी जल्दी चलते हैं और फिर करते हैं निज़ाम। यार बैठे हुए हैं कि उधर MC डोनल्ड में दोस्त का वेट हो रहा है, उसने आना है तकरीबन 2:15 बजे, अभी टाइम हो रहा है 1:30 हो रहा है अभी, तो अभी देखते हैं क्या करना है क्योंकि अभी तो घंटा पड़ा है उसके आने में। एक और दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा है जी कि मैंने भी आना है, अब देखो क्या कहता है, वो आएगा कि नहीं आएगा। पूछा तो आया उसने कितने बजे मूवी है, मूवी 3:30 बजे है, और टिकट तो मैंने जो है ऑनलाइन बुक करवाए हुए हैं, बल्कि भी कराने हैं, तो चलो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल तो उसका वेट हो रहा है। और यार लोकल में ना सफ़र बहुत गंदा होता है, तो मैं सबसे लास्ट पे बैठा हुआ था, सबसे लास्ट पे ये सीन होता है कि यार झटका लगता है आपको, बहुत बुरी हालत हो जाती है। अपनी गाड़ी लाने से बेहतर है बंदा लोकल ही आ जाए, लेकिन अपनी गाड़ी के अंदर आपको पेट्रोल चंगा पला लग जाता है, और जो है लोकल में आपको इतना नहीं लगता पेट्रोल, लोकल 200 रुपये का सफ़र हो जाता है। अपनी गाड़ी लाओ तो तकरीबन समझ लो कि 3-4 हज़ार रुपये आपका पेट्रोल लग जाएगा आराम सुकून से आने जाने का। तो अभी वेट करते हैं दोस्त का, वो आता है फिर मिलते हैं। और भाई जी आपको नाश्ता नहीं कराया मैंने, तो माजरत उसके लिए, जिस टाइम आपने मुझे मैसेज किया फ़ोन कर रहे थे उस टाइम मेरी आँख खुली थी 7:40 पर, तो यह कि आप जब आए ना तो मैंने बाल कटवाने थे, मैं जल्दी निकल गया, अब देखो मैं किधर बैठा हूँ, MC डोनर में बैठा हूँ मैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हम खाएंगे डील्स, आप करें इंजॉय घर में, साथ हम मूवी देखेंगे, आप घर में इंजॉय करें, सही है? तो मिलते हैं आपको शाम को इंशाल्लाह। तो अभी आए हैं हम सिनेप्लेक्स में,
तो अभी देखते हैं कि मूवी की टिकट शिकट करा लिया, बुक करा लिया है, और अब जो है ना जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि अब खड़े नहीं हो सकते देर ज़्यादा देर तक। तो चलो जी चलते हैं अब, और मैं अकेला आया हूँ, कोई दोस्त वोस्त नहीं आया मेरे साथ, अकेले हैं, अकेले मूवी देखेंगे। यार अभी देख रहे हैं मूवी, वो इंटरवल आया है, आपके भाई को जब सर्दी और बोतल पी लेना आपका भाई, तो बस जो है ना बाथरूम बहुत आते हैं इसको, मूवी चल रही है, अभी इंटरवल आया हुआ तो ट्रेलर चल रहे हैं सारे, लेकिन फास्ट एंड फ्यूरियस जो है ना मैं कह रहा हूँ कि बहुत अंत के कभी मूवी चल रही है इस टाइम, तो मैं इसको जो है ना फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के बाद रखूँगा इस मूवी को, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के बाद ये बहुत अंत आई है मूवी, तो देखते हैं इंटरवल है, इंटरवल के बाद देखते हैं क्या होता है उसके साथ, तो बाद में मिलते हैं आगे। तो यार मूवी ख़त्म हो गई है और इतने गंदे सस्पेंस पे जा कर मूवी ख़त्म की है ना, और पार्ट 1 है ये, अभी पार्ट 2 आएगा, लेकिन इतनी गंदी जगह पे सस्पेंस ख़त्म किया है ना, मूवी को ख़त्म किया है ऐसे सस्पेंस गंदा डाल के, मेरी तो वहाँ पर चीख निकल गई है, मैं वो क्या कहते हैं उसको, मैंने वो नहीं बनाया वीडियो नहीं बनाई, लेकिन दिखा दूँगा आपको जो मैंने बनाया। खैर अभी घर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेहंदी पर भी निकलना है, तो मिलते हैं घर जाके। तो यार मूवीज भी देख के आ गए थे, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, सुबह सो के उठे हैं, ये बाइक दिया हुआ है उधर ट्यूनिंग कराने बाइक दिया हुआ है, बाइक लेना है उससे ट्यूनिंग वाले से, और बस फिर घर जाना है, घर जाके खाना खाना खाएंगे, और एक और पार्सल भी लेना है, यहाँ से मैं देखता हूँ किधर से जगह मिलेगी मुझे, पार्सल लेना है क्योंकि आप लोगों की बहुत सी कंप्लेन आ रही थी कि जी आपकी आवाज़ सही नहीं आती, तो आपके भाई ने खर्चा किया है, माइक मंगवाया है, माइक आ गया है, और अब माइक भी लेना है, बाइक भी लेना है, खर्चा खुल गया सही वाला, तो वहीं जाके मिलते हैं। और आप लोगों को एक और सरप्राइज़ भी है जो मैं आपको या आज दूंगा या फिर कल दूंगा, वो सरप्राइज़ जो है ना किसी को भी नहीं पता, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, तो उनको भी सरप्राइज़ देना है, आप लोगों को भी सरप्राइज़ दूँगा, बस आज शाम को या फिर कल शाम को मैं जाऊँगा उधर, और वो चीज़ आप लोगों को भी दिखाऊँगा जो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, तो वो ज़रूरत भी थी इसलिए जो है ना बस एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, तो वहीं जाके बस जो है ना फिर आपको चीज़ भी दिखाएंगे, फिलहाल बाइक लेते हैं, बाइक लेने के बाद जो है ना फिर घर चलते हैं। तो यार पहुँच रहे हैं होंडा सेंटर, यहाँ बाइक दिया हुआ है, और अब यहाँ पर तीन के बाइक लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। इतना बड़ा खर्चा खुल गया मैं जिसने बताया, यहाँ पर आए होंडा सेंटर में अच्छी ट्रेनिंग करेगा, मोटरसाइकिल आ गया और बंदा शदीद हो चुका है इस टाइम, इसको धुलवाना भी है, क्योंकि धुलवाएंगे नहीं तो फिर ये ना मज़ा नहीं कराएगा भाई, इसलिए अब धुलवाते हैं, तो घर चलते हैं, पहले घर जाएंगे, घर जाने के बाद इसको आते आते टेस्ट करते हैं, अच्छा हुआ तो ठीक है, वैसे अच्छा ही होता, क्योंकि होंडा होंडा सेंटर वाले हैं इधर को लियाने मोड़ के साइड पर, तो इनसे करवाएँ, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, ज़बरदस्त हो जाएगा बाइक आपका, तो घर चलते हैं, फिर आपको जो है मिलते हैं। जाऊँ कराएंगे दांत साफ कराएंगे, साथ वैसे ही स्टैंड कराएंगे, हाय हाय। पाजी हो गया फारग, अब जाते हैं कमरे में जाके अपना पार्सल जो है ना जो आया है हमारा वो करते हैं हम जरा अनबॉक्सिंग। यार ये पार्सल है, ये आया हमारा, इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। कुछ हुआ तो है, ओए हाय 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 हाय, ये माइक आया जी, इसका रिव्यू भी देंगे आपको थोड़ी देर तक। हाय 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 हाय, ये आता है जी इसमें इस तरह का, ऐसे लगाएंगे। ओ जी पाजी ठीक हो ना, जबरदस्त तो टैटो। अब जो क्वालिटी आ रही है ना वो इस माइक की आ रही है, सही है, आपको डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियोस आएंगी, एंजॉय करना वीडियोस को, सही है। तो अभी हम चलते हैं, अभी जो है मैंने एक दो काम करने हैं,
और वो जो सरप्राइज वाली मैंने बात की थी वो सरप्राइज जो है आपको कल मिलेगा इंशाल्लाह, कल मिलेगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे, तो अपना ख्याल रखें, हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।